आपने मुझे मान लिया कि मेरी सेवाएं एक टेररिज्म के ऊपर राष्ट्र के लिए हैं, तो मेरी उसी में रहेगी। मुझे को टिकट दे या मुझे को मंत्री बनाए, मैं तो नहीं बनता। मेरी जिंदगी तो बोनस है, मैं इस काम में नहीं आता। मैंने तो जीवन आपके लिए समर्पण कर दिया। हमारा विश्वास टूट जाता है। देश के लिए मैंने यहां तक सुना है कि 6-6 महीने तक वो अपने घर नहीं पहुंच पाते, इतने इवेंट्स अटेंड करते हैं, इतनी जागरूकता लगाते हैं कि पब्लिक जाग जाए। राजू पंचाल जी, प्लीज एस्कॉर्ट हिम ऑन स्टेज। कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमारी बेटियों ने वंदे मातरम से शुरुआत की थी, तो मैं ये कहना चाहूंगा जो बचपन से बोलता हूं, मुख में वंदे मातरम, मन में वंदे मातरम, शरीर के चलते हुए खून में बहता है वंदे मातरम। खंजरे कातिल कभी भी कर देना खत्म हमें, खंजरे कातिल कभी भी खत्म कर देना हमें, चीख भी निकलेगी आखिर में निकलेगी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरी बड़ी बहन साहिजा जी और अभी कश्मीर से वो बहादुर मेरे भाई ललित जी ने इंडिया फाउंडेशन के ऊपर, आपके ऊपर अपने अपने विचारों को कुछ रखा, कुछ रखे। और यहाँ पे आए हुए हर समाज से, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर समाज से मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर कुछ जज्बा है राष्ट्र के प्रति, सेकुलरिज्म के प्रति, देश की आजादी की रक्षा के प्रति आपके अंदर पीड़ा है। आप कोई बिजनेसमैन होंगे, कोई जॉब करते होंगे, अपने अपने फील्ड में होंगे, पर कहीं ना कहीं बैठ के मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको राष्ट्र का फिक्र है कि हमारा राष्ट्र मजबूत रहे और राष्ट्र प्रथम रहे। ये मैं कहना चाहता हूं आपको देख करके, क्योंकि हमें पूरे देश में अलग अलग जगह पे जाने का मौका मिलता है। राष्ट्रभक्ति कहने को बहुत है, वंदे मातरम भारत माता की जय कहना बड़ा आसान है, पर सुनना, विचारना और समझना ये हर जगह पे नहीं है। दिल्ली तो है ही नहीं, जो मेरा जिंदगी का अनुभव है, जो भी इधर इस साइड में लोगों के अंदर, मैं महाराष्ट्र, गुजरात, सुबह गुजरात से आया और इस जगह पे सब आप बैठे हैं, तो मैं ये महसूस करता हूं कि आप लोगों की जो राष्ट्रभक्ति है, आप लोगों के अंदर जो सेकुलरिज्म है, आप लोगों के अंदर जो राष्ट्र के प्रति प्यार है, वही शायद हमारे राष्ट्र को मजबूत करके रखता है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। देखो, ना मेरा बीजेपी से को तलक, ना मेरा नरेंद्र मोदी जी से तलक। बोनस की जिंदगी जीते हैं, 15 बार बम्बों और गोलियों झेल करके शरीर का आधा हिस्सा हम मातृभूमि के चरणों में दे चुके हैं, आधा कब जाएगा हम हमेशा तैयार रहते हैं। पर हमारे अंदर है प्रथम राष्ट्र, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। कल राजनाथ सिंह जी, हम सब एक ऐसे, आप जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वहां कम से कम 120 विंगराओं को, वो बहादुर विधवा को, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पिता खोया। मरुति जय जवान फाउंडेशन के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से सबको इकट्ठा किया, उन लोगों के लिए हम लगे रहते। ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से, कुर्बानियों, शहादतों से आजाद हुआ है। वो अलग बात है कि एक पाकिस्तान हमारे से अलग होके बना, पर आजाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से हुआ है, शहादतें हुई हैं। हम लोगों ने, किसी ने वोट बैंक की खातिर, किसी ने सत्ता की खातिर, हम लोगों को बहुत इस्तेमाल किया। हम सीधे लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग बहुत सीधे हैं, हम बोले हैं। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा देखते हैं
जब वंदे मातरम भारत माता की आवाज सुनते हैं तुम भावुक होकर उस तरफ निकल जाते हैं। क्षण थी लोकपाल बिल के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस थी, मुद्दा सही था, उस जो भी मुद्दा था केजरीवाल अन्ना हजारे जी का बिल्कुल सही था, और शाहिदा जी भी एक राष्ट्र भक्त हैं, हमारी तरह ये भी जुड़ गए, हम अंदर से चिड़े ये खुल के जुड़ गए, पर जब इनको पता चला कि हमारा रास्ता गलत है इन्होंने अपने रास्ते को बदला, होता है, हम काफले में तो नहीं चले पर हम कहते थे नया भगत सिंह आने वाला है, नया महात्मा गांधी आने वाला है, नई भारत को आजादी मिलने वाली है, और जहां रामलीला ग्राउंड के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना तिरंगा झंडा लहराया जा रहा था, तो आप लोग भी हिंदुस्तान के कोने में दुनिया में बैठा हुआ हर हिंदुस्तानी उस आंदोलन में शामिल था। हम बोले हैं, हम सीधे हैं, राष्ट्र शायद नई आजादी मिलने वाली है, क्या हुआ? जब मौत सामने आने लगी, जब कुर्सी सता दिखने लगी, तो फिर कहते जूस लाओ। क्लियर? और जब जूस आता है, ढूंढा जाता है किसी संत महात्मा को, हैं? हाँ, तो बहन जी जैसे बहन जी हैं, इनको बुला लिया जाता है, बहन जी जरा जूस लाइए, और जूस जैसे ही आता है कहते अंदर से आवाज, वंदे मातरम वंदे मातरम, जूस पी के आंदोलन खत्म, मौत छोड़ दी, और एक ने कुर्सी सता दिल्ली की संभाल दी, वो गांधीवादी विचारधारा को धक्का देके महाराष्ट्र में भेज दिया, और ये राष्ट्र भगत मेरी बहन, इन्होंने अपना फिर रास्ते को बदल के राष्ट्र के लिए एक नवा नया रास्ता तैयार कर दिया। तो सवाल सबसे बड़ा ये है, जो आदमी जिस फील्ड में है उस फील्ड को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आज किरण बेदी ठीक है गवर्नर बनी है, मैं मेरी विचारधारा आजाद है, बुरा ना मानिएगा, अगर किरण बेदी ऐसे ही अपने काम में मिशन में रहती तो मर के भी जिंदा रहती, अपनी फील्ड को बदल दिया, आपने हमें जिस तरीके से मान लिया हमने तो उसके मुताबिक चलना है, हमने आपसे वोट नहीं लेनी। अगर आपने मुझे मान लिया कि मेरी सेवाएं एक टेररिज्म के ऊपर राष्ट्र के लिए हैं तो मेरी उसी में रहेगी, मुझे को टिकट दे या मुझे को मंत्री बनाए, मैं तो नहीं बनता, मेरी जिंदगी तो बोनस है, मैं इस काम में नहीं आता, मैंने तो जीवन आपके लिए समर्पण कर दिया। हमारा विश्वास टूट जाता है। फिर कहूं नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं हूं, पर उसकी एक एक राष्ट्र के लिए पॉलिसी के ऊपर मैं डट के खड़ा हूं और पहरा देता हूं, आप पहले भी आज भी और आगे भी देता रहूंगा। अरे 70 साल की कैंसर की बीमारी, अभी लल्लित जी ने बोला, वो भी किसी पार्टी से नहीं है, उनको कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा ज्ञान है, 70 साल की कैंसर की बीमारी को जड़ से उखाड़ करके वो फेंक दिया, मौत का कफन बांध करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी कैसे नहीं चलेंगे? अगर मेरे अंदर प्रथम राष्ट्र है, आपके अंदर प्रथम राष्ट्र है, इनके अंदर प्रथम राष्ट्र है, अगर उनके इस पॉलिसी की मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो भगवान मुझे राष्ट्र कभी माफ नहीं करेगा। कि अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के दुनिया के कोने कोने में जाके ना जगाते तो आज पाकिस्तान अकेला ना होता, पाकिस्तान के सारे मुल्क खड़े होते, पूरी दुनिया में किस तरीके की राजनीति की उस नरेंद्र मोदी जी ने, राजनीति नहीं राष्ट्रनीति, राजनीति बदल गई, आज राष्ट्रनीति है, किसी को बताया नहीं, इसको कहते राष्ट्रनीति। पूरे दुनिया में एक जाके हिंदुस्तान का माहौल बना के पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश बता करके ऐसा मारा छक्का, वह पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया। अब पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ठीक था, हम गलत थे, अब पता चलता है हम गलत थे बोलने वाले। मेरे भाइयों एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, अब तो पीओके की बात करें और वो मिलेगा। ये इमरान खान की हिम्मत क्या है, ये पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ, हमारे से निकला हुआ, फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का दामन नोट लिया, ये वो पाकिस्तान, ये धमकी देता है परवानों की,
इसको मैं कहना चाहता हूं, हे पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है हमारा ही रहेगा। ये पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ हमें धमकी देता, वो भी नरेंद्र मोदी के होते हुए। ये मेरा टाइम हो गया, हो गया नहीं, देखो मैं जाती नहीं करता, हो गया क्या है? देखो जिंदगी में अब बातें रही नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने काम ही ऐसे कर दिया, बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। पहले बहुत बोलते थे, बड़ा रौला, आंखों में आंसू भी आते थे, अब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी आंखों के आंसू ही खत्म कर दिए, जो बचपन के हमारे सपने थे वो पूरे कर दिए, पूरे कर दिए। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ इस व्यापार की मंदी के अंदर क्या हो रहा है, आप आने वाली जनरेशन के लिए आपके बच्चों के बारे में सोचिए कि उनको एक नया भारत मिलने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैं जरूर कहना चाहूंगा, यह जो सेक्युलरिज्म का आपने सबूत दिया है, यह सेक्युलरिज्म का जो सबूत है, इसको जिंदा रखना, क्योंकि हम बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं और फंक्शनों में जाकर के हम कई कुछ झूठ बहुत देखते हैं। कोई शहीद परिवारों को बुलाता है, 100 रुपए की शाल देता है और 50 रुपए का मोमेंटो देता है, फोटो खिंचाता है, चले जाता है। मैं बुरा ना मानिए, मेरी जिंदगी का अनुभव है, पर आप जो लोग हैं, इस भगवान की कसम, भारत माता की कसम, मैं आपको देख करके कहता, जो आपके अंदर अवेयरनेस जागृति है, जो गुजरात के लोगों में है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये अगर पूरे राष्ट्र में फैल जाए तो हमारी भारत की तरफ को आंख उठा के देख नहीं सकता। पर जागृति आपकी तरह एक अवेयरनेस होनी चाहिए, इस देश की तरफ देख नहीं सकता। आप तो हमारी ताकत हैं, आप तो हमारी जड़ हैं, आपने तो राष्ट्र का बोझ उठा रखा है, हम तो उधर के लोगों ने राष्ट्र पे बोझ बना रखा है, आपने राष्ट्र को अपने कंधे पे उठा रखा है, याद रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे।